यहां की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं की, लेकिन जिन राज्यों में ये योजना लागू हुई है वहां लगभग 70 लाख मरीजों का जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा रहे थे, पीड़ा झेल रहे थे, मुसीबतों से गुजारा कर रहे थे, आज इस योजना के कारण इन 70 लाख लोगों का इतने कम समय में इलाज मुफ्त में हो गया। इन लाभार्थियों में सभी संप्रदाय के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी पूजा पद्धति के लोग हैं। इस योजना में तो किसी से नहीं पूछा जा रहा कि पहले आप अपना धर्म बताइए, फिर आपका इलाज शुरू किया जाएगा। फिर ऐसे झूठे आरोप क्यों? इस तरह के आरोपों के बहाने भारत को दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश क्यों हो रही है? साथियों, इन लोगों ने दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों को अराजकता और डर के माहौल में धकेलने की नापाक कोशिश की है, साजिश की है। जिस तरह बच्चों की स्कूलों पर हमले हुए, यात्री बसों पर, ट्रेनों पर हमले किए गए हैं, लोगों की गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, साइकिल को, छोटी छोटी दुकानों को जलाया गया है, भारत के ईमानदार टैक्स पेयर का पैसा, उससे बनी सरकारी संपत्ति, उसे आग में खाक कर दिया गया है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। इनकी राजनीति कैसी है, इनके इरादे कैसे हैं, यह देश भली भांति समझ चुका है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं, पहली बार मैं जीत करके आया, देश की जनता ने मुझे जीता करके बिठाया, तो जो लोग नहीं चाहते थे उनको समझ नहीं आया कि कैसे हो गया। दोबारा न जीत पाऊं, देश की जनता समर्थन न करे, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसके पास जो साधन था उपयोग किया, झूठ जितने फैलाने थे फैलाए, लेकिन देश की जनता ने पहले से ज्यादा आशीर्वाद दे दिए। ये सदमा ये अभी भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये पहले तो आ गया, ये दोबारा कैसे आ गया? और जिस दिन नतीजे आए हैं उसी दिन से ये देश में तूफान खड़े करने की फिराक में है, ये इनके इरादे हैं, और कोशिशें पहले भी की लेकिन लोग साथ नहीं दे रहे हैं, उनका यही हाल होने वाला है। और मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, अगर मोदी को देश की जनता ने बिठाया, ये आपको अगर पसंद नहीं है मैं समझ सकता हूं, तो आप मोदी को गाली दो भाई, मोदी को नफरत करो, मोदी का जितना विरोध करना है जरूर करो, आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जूतने जूते मारने हैं मारो, मोदी का पुतला जलाना है जलाओ, लेकिन देश की संपत्ति मत जलाओ, गरीब का ऑटो रिक्शा मत जलाओ,
गरीब की झोपड़ी मत जलाओ। मोदी पे निकालो, गरीब ऑटो वालों, गरीब बस वालों, मारकर पीटकर आपको क्या मिलेगा? और भाइयों बहनों, जिन पुलिस वालों पर ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें जख्मी कर रहे हैं, मैं जरा इन तूफानियों से पूछना चाहता हूं, इनके आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं, पर्दे के पीछे मुंह छिपाकर खेल खेल रहे लोगों से पूछना चाहता हूं कि पुलिस के जवानों को अपनी ड्यूटी करते समय जो हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, उनको मारा जा रहा है, क्या मिलेगा आपको? और इन शरारती तत्व समझ ले, जब पहले भी आपकी सरकार थी, ये पुलिस वाले भी आप ही के थे। सरकारें बदलती है, पुलिस वाले किसी के दुश्मन नहीं होते। इस देश को पता नहीं है, आजादी के बाद 33,000, ये आंकड़ा बताइए लोगों को, आजादी के बाद 33,000 हमारे पुलिस भाइयों ने शांति और सुरक्षा के लिए शहादत दी है। 33,000 आंकड़ा कम नहीं होता। रक्षा करने के लिए शहीद हुए और आप बेरहमी से उनको मार रहे हो। जब कोई संकट आता है, कोई मुश्किल आती है, तो पुलिस न धर्म पूछता है, न जाति पूछता है, न दिन देखता है, न रात देखता है, न ठंड देखता है, न बारिश देखता है, वो आपकी मदद के लिए आके खड़ा हो जाता है। अभी यहां दिल्ली में ही पिछले दिनों जिस मार्केट में आग लगी, मंडी में इतने लोगों की जान गई, उस समय पुलिस किसी का धर्म पूछने नहीं गई थी, आग के अंदर जाकर के जितना जिंदा लोगों को निकाल सके निकालने का काम किया था। आप पुलिस पे हमला कर रहे हो और देश के नेता, 100 साल से पुरानी पार्टी के नेता, उनको हिंदुस्तान क्या है? उपदेश दे रहे हैं लेकिन शांति के लिए दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है, हिंसा छोड़ने के लिए एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब हिंसा को आपकी मुख्य सहमति है। पुलिसों पर हो रहे हमले, निर्दोषों पर हो रहे हमले, उसको आपकी मौन सहमति है, ये देश देख रहा है। भाइयों बहनों, आप मुझे कल्पना कीजिए, पुलिस का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
पुलिस का आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस को हम परेशान करेंगे तो हमारी परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। 33,000 पुलिस शहीद हुए हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आइए उन 33,000 शहीद पुलिसों को याद करते हुए मेरे साथ नारा बोलिए, शहीद हो अमर रहो, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो। इन सभी शहीद पुलिस आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं और मैं अनधिकृत कॉलोनी के लोगों से आग्रह करूंगा, 1700 से ज्यादा कॉलोनी है, यहां हमारी सरकार बनने के बाद शहीदों के श्रद्धांजलि देने वाला एक भव्य स्मारक बनाया है। इन 1700 कॉलोनी के लोग जरूर एक बार वहां जाकर के फूल चढ़ा करके आ जाए। करेंगे आप लोग? शहीदों का सम्मान करेंगे? पुलिस का सम्मान करेंगे? पुलिस से भाईचारा बढ़ाएंगे? साथियों, झूठ बेचने वाले, अफवाह फैलाने वाले, इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। ये दो तरह के लोग हैं। ये वो लोग जिनकी राजनीति दशकों तक वोट बैंक पर ही टिकी रही है, भय फैलाकर। थैंक यू भैया, पीछे वालों को दिखता नहीं है, थैंक यू आपका प्यार सर आंखों पर। मैं कहीं पर भी हूं, दूर वालों की भी तकलीफ समझता हूं। दूसरे वो लोग जिनको इस राजनीति का लाभ मिला है, ये लोग सोचते थे कि खुद ही सरकार है, उनको लगता था कि देश उनके इशारे पर चलता है, ये सोचते थे कि वो जो इतिहास बताएंगे वही सच मान लिया जाएगा, वो जो भविष्य बताएंगे उसको ही भारत का भाग्य मान लिया जाएगा। वोट बैंक की राजनीति करने वाले और खुद को भारत का भाग्य विधाता मानने वाले, आज जब देश की जनता द्वारा नकार दिए गए हैं तो इन्होंने अपना पुराना हथियार निकाल लिया है। बांटो, बेच करो, भेदभाव करो और राजनीति का उल्लू सीधा करने की कोशिश करो। साथियों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून, ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। ये कानून इस देश के अंदर जो 130 करोड़ लोग रह रहे हैं उनका इस कानून से कोई